हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट्स के बारे में और उनके यूजेस के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट्स के बारे में। तो स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट्स में आते हैं सोल प्लेट हो, बेस प्लेट हो, स्टैंडर्ड्स हो, लेजर्स हो, किकर लिफ्ट हो, ट्रांसोम्स हो, ब्रेसिंग्स हो, पाइप हो, क्लैंप हो, टूबोर्ड हो, स्कैफोल्डिंग प्लैंक हो, टॉप रेल हो, मिड रेल हो, सेल्फ क्लोजिंग ड्रॉप बार हो, फॉल्स अपराइट हो, लैडर हो। इसके अलावा स्कैफोल्डिंग के साथ में स्टेटस ऑफ टैग आता है, पुल्ली आता है, रोप आता है, लिफ्टिंग बैग आती है और बैरिगेशन टेप आता है। तो इस प्रकार ये जो है ये स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट्स है। चलिए अब जानते हैं स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट्स के यूजेस के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं सोल प्लेट के बारे में। तो सोल प्लेट का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इसमें जैसे मेटल के लार्ज पीसेस आते हैं या फिर वुडन के पीसेस भी आते हैं जो बेस प्लेट के नीचे में रखे जाते हैं। इसके रखने का ये मतलब होता है कि जो लोड है उस वाइड सरफेस एरिया के ऊपर जो है वो स्प्रेड हो सके, और वो तब जब स्कैफोल्ड को सॉफ्ट ग्राउंड के ऊपर इरे किया जाता है तब। सोल प्लेट का जो साइज है वो आता है 300 mm x 300 mm x 6 mm। इस सोल प्लेट को हर एक जो बेस प्लेट है उसके नीचे में रखा जाता है जहां पर फाउंडेशन जो सरफेस है वो सॉइल का हो या फिर सॉफ्ट ग्राउंड का हो। अगर कंक्रीट रूफ की थिकनेस अगर 75 mm से अगर कम है तो वहां पर भी सोल प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब जानते हैं बेस प्लेट के बारे में। तो बेस प्लेट का भी जो इस्तेमाल है वो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पर स्मॉल स्क्वायर मेटल प्लेट्स है जिसमें स्टैंडर्ड को रेस्ट किया जाता है, और वो इसलिए किया जाता है ताकि वो जो स्टैंडर्ड है वो ग्राउंड के ऊपर सिंक ना हो, वहाँ पर उसको प्रिवेंट किया जाए। बेस प्लेट का जो साइज है वो आता है 150 mm x 150 mm x 6 mm। बेस प्लेट को हर एक स्टैंडर्ड के नीचे में प्लेस किया जाता है एक्सेप्ट मोबाइल स्कैफोल्ड, क्योंकि मोबाइल स्कैफोल्ड में जो है वो व्हील होते हैं इसलिए। चलिए अब जानते हैं एडजस्टेबल बेस जैक के बारे में। तो एडजस्टेबल जो बेस जैक है ये बेस प्लेट की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पर जैक लगने के कारण जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं इसलिए इसको एडजस्टेबल बेस जैक कहा जाता है। इसकी मैक्सिमम लोड बेयरिंग कैपेसिटी होती है 30 kN, और इसकी जितनी हाइट होती है उसका 2/3 ही हम इसको लिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि इसके जैक को इसकी जो हाइट है उसके 2/3 तक ही हम इसको लिफ्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है किकर लिफ्ट। तो किकर लिफ्ट यानी कि फर्स्ट जो रनर होता है और फर्स्ट जो ट्रांसोम होता है उसको ग्राउंड सरफेस से 150 mm अबाव को इंस्टॉल किया जाता है, उसे किकर लिफ्ट कहा जाता है जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। और किकर लिफ्ट को दूसरा नाम भी है वो है बेस लिफ्ट। फिर उसके बाद है वो है ट्यूब्स। तो ट्यूब्स यानी कि स्कैफोल्डिंग पाइप। तो स्कैफोल्डिंग पाइप का जो आउटर डायमीटर होता है वो होता है 48.3 mm, और हर एक ट्यूब्स या फिर स्कैफोल्डिंग पाइप को इस्तेमाल करने से पहले हमें उसको प्रॉपरली चेक करना है। फिर उसके बाद है स्टैंडर्ड। इसे पोज भी कहा जाता है, इसे वर्टिकल भी कहा जाता है। तो स्टैंडर्ड जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए, और इसको हमें स्पिरिट लेवल से चेक करना होता है। स्कैफोल्डिंग का पूरा जो वेट है वो स्टैंडर्ड के ऊपर होता है, और दो स्टैंडर्ड के बीच मैक्सिमम जो स्पेस है वो होनी चाहिए 2 मीटर। फिर उसके बाद है लेजर्स, जिसे हम रनर भी कहते हैं। तो लेजर को हमेशा 180 डिग्री में जो है हमें लगाना है, और इसे हम हॉरिजेंटल ब्रेस भी कहते हैं। लेजर और ट्रांसोम को स्टैंडर्ड के इनसाइड में हमें फिक्स करना चाहिए। स्टैंडर्ड और लेजर को जॉइंट करने के लिए हमेशा फिक्स क्लैंप का यूज करना है। फिर उसके बाद है कि सेम बे में लेजर के जो दो जॉइंट्स है वो साथ में नहीं आना चाहिए, और लेजर के दो जॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए हमेशा बॉक्स क्लैंप का इस्तेमाल करना है। अगर हमारे पास बॉक्स क्लैंप नहीं है तो उसके अलावा हम स्लीव कपलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल तौर पर होता है। फिर उसके बाद है कि दो लेजर के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 1.8 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि फर्स्ट लेजर जो होता है उसे किकर लिप कहा जाता है, जिसकी हाइट ग्राउंड लेवल से 150 mm होती है। फिर उसके बाद है कि जो स्टैंडर्ड है उससे कम जो ओवरहैंग पाइप होता है, यानी कि जो एक्सटेंडेड पाइप होता है जिसे हम ओवरहैंग पाइप भी कहते हैं, तो वो मिनिमम 50 mm होना चाहिए, और वो मैक्सिमम 150 mm तक होना चाहिए।
फिर उसके बाद है ट्रांजोम। ट्रांजोम को हम बियरर भी कहते हैं। तो ट्रांजोम को हमेशा स्टैंडर्ड के इनसाइड में हमें प्लेस करना है और लेज़र के ऊपर हमें प्लेस करना होता है। ट्रांजोम को जब भी हम स्टैंडर्ड के साथ लगाते हैं तो वहाँ पर हमें फिक्स क्लैंप का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन ट्रांजोम को जब हम लेज़र के साथ लगाते हैं तो वहाँ पर हम स्विवेल क्लैंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांजोम पाइप जो है, जो भी प्लेटफॉर्म है उसके नीचे में हर एक 1.5 मीटर पर हमें लगाना होता है, यानी कि दो ट्रांजोम पाइप के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम 1.5 मीटर का होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि लेज़र से जो ट्रांजोम पाइप बाहर निकलता है, यानी कि जिसे हम ओवरहैंग पाइप कहते हैं, तो वो मिनिमम 50 mm होना चाहिए और मैक्सिमम 150 mm होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि ट्रांजोम के ऊपर जब आप प्लैंक डालते हो एज अ वर्किंग प्लेटफॉर्म के लिए, तो उस ट्रांजोम की जो लोड कैपेसिटी है, यानी कि जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है उसका वेट जो है वो उसने बेयर करना चाहिए। फिर उसके बाद है ब्रेसिंग। तो ब्रेसिंग जो है ये एक डायगोनली ट्यूब्स होता है जो स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर को स्ट्रांग और स्टेबल बनाता है। ब्रेसिंग में लॉन्गिट्यूडनल भी ब्रेसिंग आते हैं और झिकझैक ब्रेसिंग भी आते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल जो ब्रेसिंग है वो लगाया हुआ है, और झिकझैक जो ब्रेसिंग होता है वो झिकझैक वे में स्कैफोल्डिंग को सपोर्ट देता है, इसलिए उसको झिकझैक ब्रेसिंग कहा जाता है। फिर उसके बाद है स्कैफोल्डिंग कपलर या फिर स्कैफोल्डिंग क्लैंप। तो इसका जो इस्तेमाल है वो दो स्कैफोल्डिंग के ट्यूब्स को एक साथ में ज्वाइन करने के लिए किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला है राइट एंगल कपलर, जिसे फिक्स क्लैंप भी कहा जाता है। तो इसकी जो लोड कैपेसिटी है ये इसके क्लास के ऊपर डिपेंड होती है। तो ए क्लास की लोड कैपेसिटी होती है 610 kg और बी क्लास की लोड कैपेसिटी होती है वो है 910 kg, और इसको जो है 90 डिग्री में दो पाइप को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद है स्विवेल कपलर, जिसे चालू क्लैंप भी कहते हैं। तो इसकी भी जो लोड कैपेसिटी है ये क्लास के ऊपर डिपेंड होती है। तो ए क्लास का जो स्विवेल कपलर है उसकी लोड कैपेसिटी होती है 610 kg और बी क्लास का जो स्विवेल कपलर है उसकी लोड कैपेसिटी होती है 910 kg, और इसका जो इस्तेमाल है वो किसी भी डिग्री में हम दो पाइप को ज्वाइन करने के लिए कर सकते हैं। फिर उसके बाद है स्लीव कपलर, जिसे बॉक्स क्लैंप भी कहा जाता है। इसकी जो लोड कैपेसिटी होती है वो होती है 550 kg। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि दो पाइप को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर स्लीव कपलर यानी कि बॉक्स क्लैंप का इस्तेमाल किया गया है। फिर उसके बाद है लैडर क्लैंप। तो इसकी जो लोड कैपेसिटी होती है वो होती है 550 kg। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो ये लैडर क्लैंप की इमेज है। तो लैडर क्लैंप का जो इस्तेमाल है वो लैडर को स्टेबल करने के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद है प्लैंक कपलर, जिसे हम जाली क्लैंप भी कहते हैं। तो इसकी जो लोड कैपेसिटी होती है वो होती है 565 kg, और इस जाली क्लैंप का जो इस्तेमाल है वो जाली को यानी कि प्लैंक को ज्वाइन करने के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद है पुटलॉक कपलर। तो इसकी जो लोड कैपेसिटी होती है वो होती है 63 kg। तो आप इमेज में देख सकते हो कि पुटलॉक का दो पाइप को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। फिर उसके बाद है बीम क्लैंप। तो बीम क्लैंप की लोड कैपेसिटी होती है 3000 kg इन पेयर्स, यानी कि पेयर्स में इसकी लोड कैपेसिटी होती है। तो ये अलग अलग साइज में आता है, जैसे कि 50 mm, 75 mm, 100 mm। और बीम क्लैंप का जो इस्तेमाल है वो बीम में अगर हमें कोई सपोर्ट अगर लगाना है तो इस बीम क्लैंप की मदद से हम वो लगा सकते हैं। फिर उसके बाद है लैडर। लैडर जो है ये एक पीस ऑफ इक्विपमेंट है जिसका इस्तेमाल नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आने के लिए किया जाता है। लैडर का इस्तेमाल अगर वर्किंग प्लेटफॉर्म में किया जाता है तो उस वर्किंग प्लेटफॉर्म के ऊपर में लैडर जो है वो प्रोजेक्टेड होनी चाहिए कम से कम 3 rungs, यानी कि एटलीस्ट 1.05 meter अबाव होनी चाहिए। फिर उसके बाद है स्कैफोल्ड प्लैंक। तो स्कैफोल्ड जो प्लैंक है उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए या फिर उसके ऊपर कोई भी कोरोजन नहीं होना चाहिए। इसका साइज आता है 2100 mm बाय 280 mm बाय 38 mm। स्कैफोल्डिंग जो प्लैंक है वो 3 thicknesses में आता है। सबसे पहला है 38 mm, दूसरा है 50 mm और तीसरा है 63 mm। ट्रांजोम से इस स्कैफोल्डिंग प्लैंक का मिनिमम ओवरहैंग होना चाहिए 50 mm और मैक्सिमम ओवरहैंग होना चाहिए 150 mm। लेकिन अगर यहाँ पर स्कैफोल्डिंग प्लैंक की अगर थिकनेस अलग अलग है तो ये रेट भी बढ़ सकता है। जैसे कि अगर स्कैफोल्डिंग प्लैंक की अगर थिकनेस 38 mm है तो वो हो जाएगा 152 mm, अगर उसकी थिकनेस 50 mm है तो वो हो जाएगा 200 mm, और अगर उसकी थिकनेस 63 mm है तो वो हो जाएगा 250 mm।
ट्रांसोम पाइप जो है वो हमेशा जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है उसके नीचे में हमें 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर ही लगाना है, ताकि स्कैफोल्डिंग प्लैंक को हम ज्यादा से ज्यादा वहां पर सपोर्ट दे सके। स्कैफोल्डिंग प्लैंक जो है वो मेटल में भी आती है और वुड में भी आती है। फिर उसके बाद है प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म जो है वो 3 टाइप्स में आता है। तो सबसे पहला है सर्विस प्लेटफॉर्म, वो हो सकता है या फिर एक्सेस के लिए दिया गया वो एक्सेस प्लेटफॉर्म हो, या फिर काम करने के लिए वो वर्किंग प्लेटफॉर्म हो। फिर उसके बाद है टॉप रेल, मिड रेल और टो बोर्ड। तो टॉप रेल जो है उसकी हाइट हमेशा 950 mm से लेकर 1200 mm तक होनी चाहिए। इसको हम बोल सकते हैं कि 1050 mm पर हमें टॉप रेल की जो हाइट है वो मेंटेन करनी होती है। फिर उसके बाद है मिड रेल। तो मिड रेल की जो हाइट है वो हमें 400 mm से लेकर 600 mm तक रखनी होती है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि 525 mm पर हमें मिड रेल की हाइट जो है वो मेंटेन करनी होती है। फिर उसके बाद है टो बोर्ड। तो टो बोर्ड की जो हाइट है वो 150 mm हमें मेंटेन करनी होती है, और वो हमें इसलिए करनी होती है ताकि कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी लूज मटेरियल है उसको हम प्रिवेंट कर सके, उसको हम नीचे ना गिरने दें। फिर उसके बाद है फॉल्स अपराइट, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। तो ये एक वर्टिकल पाइप होता है जो लेजर के साथ में, मिडरेल के साथ में और टॉपरेल के साथ में इसको फिटेड किया जाता है। फॉल्स अपराइट की मिनिमम लेंथ जो है वो होनी चाहिए 1.5 मीटर। फिर उसके बाद है ड्रॉप बार, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। तो ड्रॉप बार जो है वो एक गेट की तरह काम करता है। ड्रॉप बार जो है वो फॉल्स अपराइट में सीवेल क्लैंप के जरिए जो है वो फिट किया जाता है, और यहाँ पर गेट का जो साइज है वो होना चाहिए 1000 mm by 600 mm। फिर उसके बाद है रोप। तो पॉलीप्रोपिलीन जो रोप है उसका हम इस्तेमाल मटेरियल को अप करने के लिए और डाउन करने के लिए करते हैं। ये जो पॉलीप्रोपिलीन रोप है इसका जो डायमीटर है वो हम लिफ्टिंग पर्पोज के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो है 18 mm से लेकर 20 mm। इसका जो टेल रोप है वो लॉन्ग होना चाहिए 4.2 मीटर तक, और किसी भी रोप को इस्तेमाल करने से पहले आपको उसको प्रॉपरली चेक करना है कि उसकी कंडीशन सही है, तभी उसको आपको इस्तेमाल में लाना है। फिर उसके बाद है पुल्ली, जिसे हम गिनविल भी कहते हैं। इसका जो इस्तेमाल है वो मटेरियल को मूव करने के लिए किया जाता है, यानी कि ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल तक और टॉप लेवल से ग्राउंड लेवल तक मटेरियल को मूव करने के लिए इस पुल्ली का हम इस्तेमाल करते हैं। इस पुल्ली का सेफ वर्किंग लोड जो है वो होता है 250 kg, लेकिन मैक्सिमम हम लिफ्टिंग के लिए अलाउ करते हैं वो होता है 25 kg। इस पुल्ली को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है रिंग टाइप पुल्ली और दूसरा है हुक टाइप पुल्ली, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। फिर उसके बाद है लिफ्टिंग बैग, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। इस लिफ्टिंग बैग का जो इस्तेमाल है वो क्लैंप हो या फिर मटेरियल को नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि क्लैंप हो या फिर मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी होती है वो होती है 25 kg, और कोई भी लिफ्टिंग बैग का जब आप इस्तेमाल करते हो तो सबसे पहले हमें उसको प्रॉपरली चेक करना है कि कहीं उसमें कोई डैमेज तो नहीं है, और अगर उसकी कंडीशन सही है तभी हमें उसको इस्तेमाल करना है। और फिर उसके बाद है बैरिगेशन टेप। तो बैरिगेशन टेप का जो इस्तेमाल है वो पब्लिक को डेंजर जोन से अलर्ट करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट्स और उनके यूजेस के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।